सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और सत्येंद्र, देखिए सीधे तौर पर बीजेपी से कह रही है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी ये जरूर कह रही है कि ये तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये दरअसल हुआ क्यों, पूरा मामला जरा बताइए, क्योंकि 1 अप्रैल को FIR जो है वो दर्ज हुई थी और आज 6 तारीख है जब गिरफ्तारी हुई। देखिए 30 मार्च को दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट किया गया था अरविंद केजरीवाल के घर पर, जिसमें तेजेंद्र बग्गा जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और कश्मीर फिल्म्स के मसले पर जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बयान दिया था तो उसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट दिल्ली में जारी किया गया था। उसके बाद तेजेंद्र बग्गा ने कई ट्वीट किए थे, तो उसके आधार पर 4 अप्रैल को पंजाब के मोहाली में सनी सिंह आहलूवालिया जो कि आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर हैं, उन्होंने लिखित में एक शिकायत दी थी। और उस शिकायत में उन्होंने कहा था कि तेजिंदर बग्गा ने लोगों को धार्मिक भावनाओं और समाज में बांटने की कोशिश की है, और उसी के आधार पर 153A, 505 अफवाह या फिर किसी के खिलाफ कुछ लेख या कुछ झूठी खबरें फैलाना, प्रसारित करना, 506 किसी को धमकी देना, 153A, 505, 506, ये वो 3 धाराएं हैं जो पंजाब के मोहाली की साइबर पुलिस ने 4 अप्रैल को FIR में दर्ज की थी। इसके बाद दिल्ली में एक बार दबिश दी गई थी, लेकिन उस समय पर तेजिंदर सिंह बग्गा लखनऊ गए हुए थे और उस समय पर भी तेजिंदर बग्गा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार ट्वीट किए गए थे और ट्वीट करके ये कहा गया था कि तेजिंदर बग्गा ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। और आज भी जिस तरीके से ट्वीट की सीरीज चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन अर्पिता, यहां पर यह बात भी बतानी होगी कि इससे पहले कवि कुमार विश्वास, उनके ऊपर भी पंजाब के रोपड़ में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा, उनके खिलाफ भी रोपड़ में मामला दर्ज किया गया है। कुमार विश्वास को हालांकि पूरे मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, तो अलका लांबा का केस आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज ही सुना जाना है। कहा कुमार विश्वास को गिरफ्तारी से रोक लगा दी गई थी और उसके बाद अलका लांबा कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के नेताओं को लेकर रोपड़ पुलिस थाने पहुंची थी। वहां पर काफी हो हल्ला हुआ था, लेकिन पुलिस ने उनको सत्येंद्र रहिए जरा आप साथ, जनकपुरी थाने में ये जो तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर पुलिस को बैठा कर रखा गया है, पंजाब पुलिस के लोग हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो ताजा जानकारी दे देंगे। हिमांशु, आप जनकपुरी थाने में ही मौजूद है, वहां पर किसको क्यों बैठा कर रखा गया है? देखिए यहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर जैसे ही जो उनके पिता हैं वो थाने के अंदर मौजूद हैं, प्रीतपाल जो तेजेंद्र बग्गा के पिता हैं, उनसे हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 8 से 8:30 के बीच अचानक से पहले 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं, आराम से बैठ के बातचीत होती है, इसी दौरान अचानक से 15 से 20 पुलिस वाले अंदर घुसते हैं और जब वो तेजेंद्र बग्गा को ले जाने लगते हैं, उनके पिता बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पंच भी मारा जाता है। और उसके बाद फिर तेजेंद्र बग्गा को जब वो ले जाते हैं तो उनके पिता यहां पर आते हैं, और इस बीच पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो 3 पंजाब के जो पुलिस वाले हैं वो यहां पर अंदर उनको SHO के कमरे में बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो तेजेंद्र बग्गा के साथ यहां पर उनके पिता के साथ उनकी मदद के लिए यहां पहुंचे हुए। सर क्या नाम है आपका? आशीष सूद। सर क्या हुआ पूरा मामला, अंदर क्या कुछ चल रहा है, उनके पिताजी गए हैं शिकायत देने आए हैं? हाँ, उनके पिताजी के साथ दिल्ली की पुलिस पंजाब की पुलिस ने मारपीट की है, तथाकथित पुलिस ने मारपीट की है, उनको घायल किया, उनका फोन छीन के ले गए और तेजेंद्र को जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। तो यहाँ पर जो पंजाब पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं, और जानकारी मिल पा रही है कि तेजेंद्र बग्गा को कहाँ तक पुलिस लेके जा पाई है? देखिए पुलिस अपने प्रशासनिक तौर तरीकों से पता करने का प्रयास कर रही है कहाँ लेके गए हैं, मगर जो केजरीवाल जी कहते थे एक बार पुलिस आने दो सब ठीक कर दूंगा, तो पुलिस उनके पास आ गई है तो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर अच्छी खासी उनके जो समर्थक हैं थाने में यहाँ पर मौजूद हैं। तेजेंद्र बग्गा का पिता का कहना था कि वो और तेजेंद्र सुबह के वक्त अकेले ही थे, क्योंकि तेजेंद्र की माँ जो है वो बिहार गई हुई है और यहाँ पर वो अकेले थे, और उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया और थाने में उनके कुछ समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो जिले के DCP हैं
वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और बातचीत की जा रही है। अब देखा जा रहा है इस पूरे मामले में कि क्या कुछ निकल कर आ पाता है। पुलिस अभी फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो अभी इस पूरे मसले पर कुछ नहीं कह रही। हमने बात करने की कोशिश की लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अर्पिता नहीं आया है। इस बीच कोशिश की जा रही है लोकेट करने को जो पंजाब पुलिस लेकर के गई है, क्या FIR दर्ज है, कब वो आई, क्योंकि उनके पिता जो तेजेंद्र पाल बग्गा के पिता हैं अर्पिता, उन्होंने हमने जब पूछा तो उनका कहना था कि एक भी दिल्ली पुलिस का जवान पंजाब पुलिस के साथ मौजूद नहीं था और यही शिकायत लेकर के आए हैं वो, और उनका कहना है कि उनको पंच मारा गया और इसके बाद उनका फोन भी उनसे ले लिया गया। तो ये तमाम शिकायतों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके कई सारे लोग समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब देखते हैं कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि दो स्टेट की पुलिस के बीच का मामला है। किस तरीके से क्या FIR थी और किस तरीके से पुलिस अरेस्ट करने आई थी, ये सारी जो लीगल चीजें हैं, जो लीगल टेक्निकल चीजें हैं, इस पे फिलहाल पुलिस डिस्कस कर रही है, बातचीत कर रही है।